हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग देखते हैं कार्ड में मिथुन राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं आज उनके लिए कार्ड्स। मिथुन राशि वालों, फर्स्ट कार्ड में आपके ऊपर लग रहा है जैसे कोई बोझ हो रहा है, बर्डन हो रहा है। कहीं पर आप जॉब करते हो, वहाँ पर आपको किसी काम के सिलसिले में ऐसा लग रहा है कि बर्डन हो रहा है, या कोई भी अपना आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको एक बोझ सा महसूस दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है दिमाग पर, और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए ये आज आपके दिमाग में चल रहा होगा और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते होंगे। दिमाग पर बोझ हो रहा है, आप कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन अभी आप उसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको बर्डन महसूस दे रहा है मिथुन राशि वालों, आप करना चाहते हैं काम को लेकिन अभी आप उसे कर नहीं पा रहे हैं। मेहनत करना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं और बोझ सा लग रहा है, पर उसमें अभी आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है, और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है इस वक्त मिथुन राशि वालों। और जो सेकेंड कार्ड है ये हमें ये बता रहा है कि आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करेंगे या करना चाहते हैं। अच्छा टाइम है आपके लिए, आप कर सकते हैं किसी से भी बातचीत। और यदि आप स्टूडेंट हैं या आपको वैसे भी बाहर जाने के लिए, जॉब के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका आ रहा है। आप बाहर भी दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं और वहाँ पर अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ये सेकंड कार्ड हमें यही बता रहा है कि आप बाहर विदेश में जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो ये अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव है और आप हो सकते हैं। और ये जो थर्ड कार्ड है ये मिथुन राशि वालों को बता रहा है कि वो जिस भी काम में करना चाहते हैं उसके होने के पूरे पूरे चांस हैं, चाहे आपको विदेश जाना हो या कहीं भी। ये कार्ड भी बता रहा है कि आप अच्छे से वो काम कर पाएंगे, प्रोग्रेसिव रहेंगे और बहुत ज़्यादा ही आप उसमें मेहनत से कोई भी काम को आप हासिल कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिल सकता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज इन कार्ड में हमें ये मालूम चला है। कार्ड में ये भी पता चल रहा है आप इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं, जो अपने माइंड में दिमाग में बोझ लेके चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बोझ हो गया, अभी इसे कैसे सॉल्व किया जाए, जो आपको बर्डन सा महसूस हो रहा है, या आपका ऑफिस में कोई वर्क हो ऐसा, या कोई भी ऐसा काम हो, या जो भी आपका जो भी जैसा भी काम हो आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही बर्डन सा महसूस हो रहा है, इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो यह जल्दी ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट कार्ड हमें यही बता रहा है कि आप जिस भी काम में लगे हुए काम बहुत जल्दी ही आपका सॉल्व हो जाएगा। और आप विदेश में जाना चाहते हो, कहीं भी आप अच्छे से सेटल हो सकते हो और आप बहुत कुछ लाभ उठा सकते हो। बातचीत करिए जिसे आपको करनी है। आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो ये कार्ड शो कराए कि आप वहाँ भी अच्छा ही बातचीत के जरिए आप उनसे अच्छा ही सॉल्व कर पाएंगे अपनी जो भी प्रॉब्लम है, और ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। और जो नेक्स्ट कार्ड है ये भी थर्ड वाला, ये भी बता रहा है कि आपको पूरे चांस हैं आपका काम होने के लिए, तरक्की होने के लिए। जो भी आपने सोचा है माइंड में वो पॉजिटिव रहेगा और आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये आज हमें पता चल रहा है कार्ड्स के जरिए। एंजल मैसेज कर रहे हैं जो, उसे ये पता चल रहा है।